बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन, जिसके हमने टोटल 10 भाग अब तक पढ़ लिए। बच्चों जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2.2 स्टार्ट कर दी थी, उसके दो प्रश्न हमने सॉल्व भी कर लिए थे। आशा करता हूं आपको ढंग से समझ आ गए होंगे, और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि आगे के प्रश्न पहले आपको ट्राई करने हैं फिर वीडियोज देखने हैं, तो बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ इस वीडियो को पॉज कर दो, देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप ट्राई करो बच्चों, मुझे पता है हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने 2.2 से पहले तुम्हें इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। कोई भी क्वेश्चन जो मैंने कंसेप्ट तुम्हें पढ़ाए उनसे आगे का है ही नहीं ना, सब उसके अंदर अंदर से हो जाएगा, लेकिन एक बार ट्राई करना पड़ेगा बच्चों। मैथमेटिक्स यदि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, केवल बोर्ड पे से सही सही बातें नोट डाउन कर रहे हो या देख रहे हो, तो आपको कभी भी आने वाली नहीं है, साफ साफ कह रहा हूँ, गलतियां करनी पड़ेगी। तो क्या देख रहे हो, फटाफट से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, समुच्चय ए जिसके अंदर 4 अवयव दे दिए, 1, 2, 3, 5, ठीक है साहब, देख लेंगे इसको भी। और क्या कह रहा है, पढ़ो बच्चों पढ़ो, बी में 3 अवयव है, 4, 6, 9, ए से बी में एक संबंध इसने दे दिया, वो क्या दे दिया बच्चों, क्रमित युग्म एक्स वाई, जहां एक्स और वाई का अंतर, दोनों का डिफरेंस ओड है, विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू, एक्स और वाई दोनों बच्चों, एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा, ठीक है जी, ये तो परिभाषित है, इसको क्या परिभाषित करें, और आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो बच्चों रोस्टर रूप में लिखने से पहले अपने काम करते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं। इसने क्या बोला, एक्स और वाई का अंतर विषम है। अब इस लैंग्वेज में कई बार कुछ बच्चे एरर कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो ना। जैसे बच्चों मैं तुम्हें बोलूं कि 3 और 4 का अंतर, 3 और 4 का, जैसे एक बार ध्यान से सुनो, कोई बोले 3 - 4 आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, 4 में से 3 गया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आपको बोले कि 3 और 4 का अंतर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है 4 और 3 का अंतर, तो कई बार कुछ बच्चे को क्या लगता है कि इसका तो -1 कर दो, इसका 1 कर दो, तो गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। बच्चों 3 और 4 का और 4 और 3 का दोनों का अंतर एक ही होता है, सेम होता है। यानी जब भाषा में, लैंग्वेज में डिफरेंस बोला जाए ना, अंतर बोला जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमेशा डिफरेंस पॉजिटिव लेते हैं। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके यहीं पे, कि जब भी अंतर की बात होगी, अंतर हमेशा धनात्मक लिया जाता है, अंतर हमेशा धनात्मक लिया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, पिता पुत्र की आयु में अंतर, तो नेगेटिव में थोड़ी बोलते हैं, चाहे पुत्र पिता की आयु बोलो, चाहे पिता पुत्र की आयु बोलो, दोनों का अंतर तो पॉजिटिव लिया जाता है ना, प्रैक्टिकल रीजन तो मैं समझा रहा हूं ना। तो क्या बोलते हैं, प्रश्न बोले 3 में से 4 घटाओ तो -1 आएगा, बोले 4 में से 3 घटाओ तो 1 आएगा, लेकिन जब पूछे ना कि 4 और 3 का अंतर क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 आएगा, 3 और 4 का अंतर क्या होगा, तो भी हम क्या बोलेंगे, 1 आएगा। यानी कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। अब देखिए ना, अब इस प्रश्न में कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल नहीं है तुम्हारे को ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई का अंतर, यानी कि दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम का मतलब समझते हो, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो आइए, अगर बच्चों मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूं, एक्स की वैल्यू में क्या ले लूं बच्चों 1 है ना, अगर एक्स की वैल्यू 1 ले लूं तो वाई की 4 ले लूं, क्योंकि बी है ना, दोनों का अंतर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, 1 से और विषम बना सकते हैं क्या अपन, एक्स की वैल्यू 1 ले लें और वाई की वैल्यू 6 ले लें तो भी विषम आएगा, 1 और 6 का अंतर 5। पहले रफ में बना लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें करना कैसे है, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा करना क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ करना कैसे है, दोनों बातों में अंतर है बच्चों। बच्चे अगर ये सीख जाए ना कि सोचना कैसे है बजाय क्या सोचे, तो बच्चों वहीं मैथमेटिक्स खत्म हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सोचना आना चाहिए, क्वेश्चन को देखकर अंदर से आवाज आनी चाहिए, आप खुद के सॉल्यूशन होने चाहिए, खुद के, एक होता है ना खुद का अधिकार हो, जिन पर खुद के राइट्स हो, ऐसा नहीं कि पासबुक खोली और उसकी लैंग्वेज टीप ली अपन ने, खुद के सॉल्यूशन होने चाहिए, सोचना आना चाहिए कि हम इसको देखकर क्या सोचें, करने का तरीका क्या होना चाहिए, बात समझ रहे हो, ओरिएंटेशन सीखनी पड़ेगी बच्चों ना। तो अपन ने पहले रफ में, अपन रफ कॉपी में कर रहे हैं, ध्यान रखना ये ना। अच्छा आप देखो, अब 1 से 4 का अंतर 3 है, 1 और 6 का अंतर 5 है, 1 और 9 का अंतर 8 है, तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि विषम अंतर लाना है हमारे को, तो 1 का काम तो हो गया। अब चलते हैं 2 पे। अच्छा, 2 और 4 का अंतर 2 आएगा, सर बिल्कुल नहीं लेंगे हम तो। 2 और 6 का अंतर 4 आएगा, ये भी नहीं लेने वाले हम तो, क्योंकि विषम लाना है हमारे को तो। 2 और 9 का अंतर 7 आएगा, ये ले लो सर, ठीक है। 2 का काम खत्म हो गया। अब बाल को चलते हैं 3 पे।
तीन और चार का अंतर एक, बिल्कुल सही जवाब लेना पड़ेगा जी। तीन और छह का अंतर कितना आएगा बच्चों? तीन ले लो, बिल्कुल सही बात है। तीन और नौ का अंतर ये आएगा छह, ये बिल्कुल नहीं ले सकते हम। अब चलते हैं बच्चों पांच पे। पांच और चार का अंतर एक, नेगेटिव में मत जाना, ध्यान रखना। पांच और चार का अंतर कितना आ जाएगा? एक। अच्छा, पांच और छह का अंतर भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक ही आएगा, और पांच और नौ का अंतर चार बिल्कुल नहीं लेने, तो हमने रोस्टर रो भी बना लिया एक तरह से। तो लिख दें अपन रिलेशन, ये संबंध बच्चों हमने क्या लिख दिया, क्या क्या बनेगा? एक कोमा चार, एक कोमा छ, ठीक है, दो नौ, तीन, देखते जाना भाई, चार तीन छ पाँच, चार पाँच और छः। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो, आपका क्वेश्चन खत्म। अब हालांकि इस प्रश्न ने पूछा नहीं है प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, तुम निकाल सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रांत पूछे, क्या पूछे? प्रांत। तुम क्या बोलेंगे? एक दो तीन और पाँच, ठीक है। परिसर पूछे तो आंसर क्या आएगा? चार। परिसर पूछे तो बच्चों आंसर आएगा चार छ और नौ। और सह प्रांत पूछे तो समुच्चय भी क्या हुए, वो चार चैनों, सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, तो यहीं तक हमारा प्रश्न खत्म होता है। लेकिन आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। तो बच्चों आई बात समझ में? तो करो भी इसको दोबारा बिना देखे हैंड टू हैंड रफ कॉपी में। फिर गृह कार्य में तो करने ही करने हैं, गृह कार्य में एक एक सॉल्यूशन खुद के हाथों से होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, आकृति समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। अब बच्चों देखो, अब तक क्या हो रहा था हमारे पास, समुच्चय निर्माण विधि में प्रश्न में संबंध दिया हुआ था। देखो ये क्या थी, ये आ रहा है नजर, जो हमने जस्ट अभी तीसरा क्वेश्चन किया ना, ये हमारे पास क्या है, ये समुच्चय निर्माण विधि, तो हमारे पास बोलो हाँ है ना। अब समुच्चय निर्माण विधि से हमें तीर आरेख भी बनाना पड़ रहा था, रोस्टर रूप भी निकालना पड़ रहा था। अब इसने क्या कर दिया, चौथे प्रश्न में एक तीर आरेख दे दिया, दृष्टि चित्रण, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं, तीर आरेख पी से क्यू में। अब इससे हमें बच्चों क्या निकालना है, समुच्चय निर्माण रूप में निकालना है। तो पहले एक बार इसको रोस्टर रूप अपन निकालते हैं, बिल्कुल छोटा सा रफली, जो कि आपको रफ कॉपी में करना है, जैसा कि मैं तुम हमेशा समझाता हूँ ना, ध्यान से देखो। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, पेयर देखो कौन कौन से बन रहे हैं, पांच और तीन, छह और चार, और एक बन रहा है सात और पांच। अब इनको देखकर बच्चों तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो कि सर दूसरे घटक के अवयव पहले वाले घटक से दो कम आ रहे हैं। देखो पांच में से दो घटाओ तीन, छह में से दो घटाओ चार, सात में से पांच घटाओ पांच, तो एक रिलेशन बच्चों इनके बिटवीन जो संबंध है, जो कंडीशन है, वो कंडीशन अपन क्या बोल सकते हैं कि सर एक कंडीशन है वाई है ना, जो एक्स माइनस दो से आ रहा है। कैसे? x का मान पांच रखो तो y तीन आ जाएगा, x का मान तुम छह रखो तो y चार आ जाएगा, x का मान तुम सात रखो तो y पांच आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो रिलेशन है वो हमने निकाल लिया क्या, कि y बराबर x माइनस दो, या तुम लिख सकते हो x बराबर y प्लस दो, बात तो एक ही है। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप अपन निकालते हैं ना, देखिए ध्यान से, ये रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म x कोमा y। अब हमें इसका क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है बच्चों। जहां बताओ x और y में क्या रिलेशन है, कि सर y है ना जो x माइनस दो के बराबर है। अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ, अब हमें ये भी तो बताना पड़ेगा x और y क्या है। या तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू p, x और y बिलोंग्स टू q, तो भी तुम्हारा आंसर सही है। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने समुच्चय में तुम्हें पढ़ाते समय क्या समझाया था, कि समुच्चय निर्माण विधि का कोई अद्वितीय अवयव नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं तुम जो समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखो वो तुम्हारी बुक की उत्तरमाला से मैच करे, क्योंकि समुच्चय निर्माण विधि को तीन चार पांच जितने तुम चाहो उतने तरीके से लिख सकते हो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। ये पहले से तुम्हें विदित है, ये मैंने तुम्हें पहले समझा दिया ना। तो देखो अपन क्या लिख रहे हैं, कोई बच्चा लिख सकता है सर एक्स बिलोंग्स टू पी और वाई बिलोंग्स टू क्यू, एक्स क्यू के अवयव है और वाई x p के अवयव है और y q के अवयव है, या अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं तथा x है जो क्या है बच्चों पांच कोमा छह कोमा सात, इतना लिख दो, इतने में भी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो भाई x का मान पांच लोगे तो y तीन आ जाएगा, छह लोगे तो चार आ जाएगा, सात लोगे तो पांच आ जाएगा। इसमें और कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ना तो मैं नेचुरल नंबर लगाने, ना मैं कोई बिलोंग्स टू लगाना, इतने में तुम्हारा काम हो गया, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ बच्चों किसी बच्चे का मन करे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखना कि सर x का मान चार से तो बड़ा, ठीक है, और आठ से छोटा, तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा लिख दोगे ना इसकी जगह, इस वाले पोर्शन की जगह इतना भी लिख देंगे तो भी सही है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर लगाना बिल्कुल जरूरी है,
इसको x को बिलोंग कैपिटल n से करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो किसी ने 4 से बड़े और 8 से छोटे में, तो बच्चों अनंत संख्याएं होती है, इसलिए मैंने प्राकृत संख्या लगा दी। अब प्राकृत संख्या 4 से बड़ी और 8 से छोटी में तो 3 ही आती है, 5, 6, 7। तो मेरी भावनाओं को समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारा मनो वैसे करना, बस सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए वहाँ पे, क्लियर है? तो देख क्या रहे हो, फिर वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, इसमें आगे बढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। आकृति समुच्चय वही, अच्छा सेम क्वेश्चन है, रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप तो पहले लिख दिया अपन ने, देखो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, लिख दो यहीं से 5, 3, 6, 4, 7 और 5, क्लियर है सभी के? अच्छा इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रांत और परिसर ज्ञात करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हारे को, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों, बच्चों प्रांत क्या होता है बताओ, क्रमित युग्म में प्रथम घटक के सभी अवयवों का समुच्चय बच्चों क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो प्रांत के अवयव 5, 6, 7, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालते हैं, परिसर, क्रमित युग्म में द्वितीय घटक के अवयव वो क्या कहलाएंगे, परिसर, बोले तो 3, 4, 5। ये लीजिए बच्चों, इसी प्रकार इस प्रश्न का समापन हुआ, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन आपको बिना देखे करना है। फिर बोल रहा हूँ, अब जैसे ये वीडियो यहीं पे बच्चों फिनिश हो गया ना, अब आगे वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, लेकिन उससे पहले आपको उनको ट्राई करना है, फिर मेरे सॉल्यूशन देखना है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों? तो जुड़े रहिए ई विद्या से, थैंक यू सो मच, बाय बाय।